जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ, और आज हमसे मिलने के लिए आए हैं, खुद परिचय देंगे अपना। नमस्ते, मैं जयनी कृष्णा, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूं, और भैया से बहुत कुछ सीखना था। बहुत समय से बात होती है। इतने दूर आने का कारण खेती सीखना, केला की खेती सीखना। वो तो फोन पे भी हो सकती थी। कुछ चीज़ें होती है मिलने से, समझने से चीज़ें होती है, बस कहने से और कर लेंगे से चीज़ें। व्यवहार बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका व्यवहार ठीक है तो आपसे लोग कहीं से भी मिलने आ सकते हैं। और भैया साथ में आए हैं। भैया नमस्ते, आपका परिचय भैया? मेरा नाम राजेश है, मैं जमीनी के साथ में आया हूँ, किशनगंज जिला से, बिहार से। आप बेसिकली क्या करते हैं प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन अभी मैं खेती में हूँ। और इससे पहले? इससे पहले मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं 5 साल नौकरी में था, मिल्ला ग्रुप के साथ फर्टिलाइजर प्लांट में था जी। फिर इसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया था जी, हेल्थ केयर में, अफोर्डेबल हेल्थ केयर के अंदर में मैंने बिजनेस चालू किया था। और उसके बाद अभी मैं खेती में हूँ अपने पिताजी के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो किसान पाठशाला देखा आपने कभी चैनल? जी देखा था। तो क्या लगा, मतलब देख के आना चाहिए साथ में? बिल्कुल। किसान पाठशाला सबसे अलग क्यों लगा, मतलब अलग क्यों है? कुछ दो शब्द ऐसे के किसान पाठशाला ही क्यों? आप इधर आ जाइए, पंखे में आ जाइए, आराम से यहाँ बैठिए। मैं सबसे जरूरी चीज़ है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। अच्छा, नॉलेज कुछ भी नहीं है। ओके। और एक साधन चाहिए था जहाँ से एक शुरुआत कर सके सीखने। जी जी। तो वो शुरुआत मैंने किसान पाठशाला से की। तो आपको देख के लगा वीडियो को कि ये लोग हैं जिनके साथ अगर हम चलें बिल्कुल तो कुछ हासिल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैमिनी का एक्सपीरियंस अभी तक का किसान पाठशाला के साथ? लेकिन मैं तो पिछले 1.5 साल से ही खेती कर रहा हूँ। मैं भी नौकरी में था, 8 साल मैंने IT सर्विसेज में जॉब किया। उसके बाद जब खेती चालू, हमारा बेसिकली क्या क्या किया हुआ है, मतलब मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक BTech किया है NIT दुर्गापुर से, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर से। और उसके बाद जॉब किया 8 साल मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर कोरोना के बीच में मैंने खेती चालू तो कर दी, लेकिन जैसी बाकी लोग खेती कर रहे थे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कुछ, बस हो रही है चीज़ें की जाती हैं ऐसे, जो मुझे एक समय के बाद समझ में आना बंद हो गया। 6-8 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं तो नुकसान कर लूँगा नौकरी छोड़ के, सब गुड़ ओवर हो जाना है, कुछ होना नहीं है। तब जाके मैंने खोजना शुरू किया। 3 महीने लगे मुझे खोजते मैं किसान पाठशाला तक गौरी, मैं डरते डरते आपको फोन किया, राहुल भैया से बात हुई, तब जाके लगा कि कुछ तो है, लोग कम से कम हैं, चीज़ें हो रही है। रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स ही है जो 6 महीने बात करते हैं तो मैं। अच्छा, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक अदर फ्रूट पे गाइडलाइन दिया, ये अपना ये ड्रैगन फ्रूट पे, तो ये मैंने एक अदर, मतलब मेरे लिए एक ये अचंभा था जब तुम्हारा कॉल आया और तुमने कहा कि भैया मुझे ड्रैगन फ्रूट पे गाइडलाइन चाहिए। बेटे, इसको सिर्फ पकड़ के रखना, आपने करना कुछ नहीं, ठीक? इसमें देखना हम आने चाहिए, ठीक? ऐसे पकड़ो, उधर से पकड़ो, कुछ नहीं करना इसको आपने, जस्ट यहाँ से पकड़ के रखो बस, ठीक है? तो मुझे कुछ कुछ यहाँ बैठ, जब हम आए ना तो लगा गया यार, मतलब ड्रैगन फ्रूट पे कर रही, और मैं तो कभी दिया नहीं था, तो फिर भी मैंने तुम्हें बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। खेती तो एक ही है, खेती एक ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो तब तक ही फ्रूट वगैरह आए नहीं थे, पर मैंने इनको सबसे पहले बताया था मिट्टी का स्प्रे के लिए करो और वो ह्यूमस बनाओ, आपने वीडियो में डाला भी था कि किसको और लोग बना नहीं दे रहा, आधी बात कर रहा, खेती नहीं कर रहा और ह्यूमस में पानी बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और मैं बोला यार ये लड़का मतलब जबरदस्त है कर रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाइडलाइन का फल ये खाया मैंने। जब जैमिनी आया तो जैमिनी ने बोला भैया इसको खा के देखो एक बार। मैं तो सोचता था इसको काटना पड़ता होगा, छीलना पड़ता होगा, लेकिन इसको डायरेक्टली यहीं से अलग अलग छिलका उतर जाता है। बड़ा और में थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो मुझे लगा स्ट्रॉबेरी और शहतूत, और भैया ने बताया था कीवी, ये तीनों का मिक्सअप जो एक टेस्ट है वो उस तरह का टेस्ट है। लेकिन डॉक्टर बहुत रिकमेंड करने लगे हैं। और हमारे बिजनौर में इसका जो प्राइस है वो 600 रुपये है जैमिनी, कल पूछा मैंने तो मुझे फिर याद आया, मैं लेने वाला था, मुझे याद आया जैमिनी आ रहा है यार, मैंने आप ऐसे खराब कर दिया। नहीं सही बात है, जबरदस्त। अभी थोक में क्या रेट जा रहा है? तो में 250 रुपये। उत्पादन क्या रहा इस बार का अपना? अभी
तो आधा सीजन भी नहीं हुआ है अभी, चल ही रहा है, नवंबर तक जाएगा ईद क्या लगभग अंदाजा क्या अभी है? अभी जैसा है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो है कि मैं बरपोल 8 केजी तो कम से कम कर दूंगा, बरपोल 8 केजी नहीं के 12 हफ्ते 96 हां मतलब कि 8 टन से 10 टन अब एवरेज बताना पड़ेगा क्योंकि साल जैसे खत्म एक टन का 30,000 मतलब कि अगर मान लो कि सब काट काट के कि है कि मेरे को 200 रुपए तो खर्च करके बच जाएगा, तो मतलब कि मेरा है तो 20 लाख रुपए मेरे को लगता है 20 लाख के आसपास बच जाएगा, 30 लाख का बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिल रहा तुम्हारे आई थी नहीं कुछ नहीं बचा नहीं जॉब तो करा था बस तो दे रहे थे तुम इतने बड़ी जॉब छोड़ के आए हो तो फायदा रहा और अभी केले में हो हमारे यहाँ केला होता था आपको फोटो दिखा देते हाँ आप बता रहे थे हमारे यहाँ केला होता था 60 एकड़ में केला हमारे दादाजी करते थे अभी तुम करोगे दादाजी के कार्यक्रम लोग हम चल रहे हैं अपने और तुम भी चलोगे तो वही है अच्छा ये नीचे से कितना चौड़ा जुड़ा हुआ होता है ये तो आपको दिखाएंगे और बाकी फोटो दिखाएंगे ये पौधे में वही टंगा रहता है लेकिन ये फाइनली आ गया ये सिलीगुड़ी से यहाँ तक आना नहीं था मेरी किस्मत बना मैं इसको बुलाया तो मुझे पार्सल कर दे हाँ बहुत बढ़िया हाँ आपने मुझे भेजा इसी के डंडा के भाई बोलो भैया की कहना काम का एक लड़का तो बात तो करेंगे नहीं तो भाव क्या देंगे मैं तो बोल के भेजे ना भैया नहीं 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 इसमें काम करेंगे अपन ये ड्रैगन फ्रूट तो है ही अपने पास इसका मेरे को एक्सपीरियंस हो गया अगर आप लोगों में किसी को कभी ड्रैगन फ्रूट पर गाइडलाइन चाहिए तो अभी मैं दे सकता हूँ बहुत ईजिली दूसरा केला तो अपना है ही उसके तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक अब आप इधर संभाल लो नॉर्थ ईस्ट में अब हम आपके बिल्कुल नहीं मैं चाह रहा हूँ यार कोई एक आदमी आए और मेरा एक सिम पकड़े और बोले कि भाई अब तू आराम कर थोड़ा थोड़ा मुझे करने अब देखो तुम्हारे जैसे नए लड़के आएंगे तो एक रेवोल्यूशन आएगा एग्रीकल्चर में दिक्कत तो है ही ना बहुत दिक्कत है इस चीज को इस प्रॉब्लम को सॉल्व अरे खेती करना सब चाहते हैं आता किसी को नहीं सबसे बड़ी बात करना सबको है आप पता किसी को नहीं है जो 50-50 साल से जो लोग खेती कर रहे हैं उन लोगों को भी नहीं पता है कि खेती होता कैसे अच्छी प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस देखो किसान पढ़ता था सबसे अलग क्यों है हमारे पास एक ही चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज जो आज की तारीख में नहीं मिलती और दूसरी बात अगर किसी पे है तो वो शेयर नहीं करता अगर वो करता है तो उस पर माध्यम नहीं है करने का हमारे पास ईश्वर की दुआ से नॉलेज भी है हम करना भी चाहते हैं कर भी रहे हैं और माध्यम भी हैं हमारे पास करने के और लोगों से जान पहचान जुड़ती है आज आप एक फ़ोन कॉल किया आपने और मेरी गाइडलाइन में आपने काम किया जो मैंने बोला वो एक्चुअली 99% मेहनत इनका है मेरे तो सिर्फ डायरेक्शन है चलती तो गाड़ी है नाम क्या है ड्राइवर चला रहा है चला तो इंजन रहा है उसको चला तो ये रहते लेकिन ये जो रिजल्ट निकल के आया इसको बोलते मैं कहा ना जब मैं पहली बार वो इनका वो ड्रैगन फ्रूट खाया अभी तो एक अंदर से अलग से अनुभूति हुई कि ये मैंने मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी वाली अनुभूति हो गई हां गुरुजी वाली अनुभूति आप अभी तक कहानी करते थे हम लोग कहानी कर रहे हैं हां अभी मेरे को गुरुजी वाली फीलिंग आ गई है बहुत बढ़िया अमेजिंग बहुत सुंदर चलो बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस और अभी रात में आपको चुगल पर घुमा के रहूंगा अभी चलते हैं अरे दो तीन दिन घुमाएंगे अभी जय हिंद जय जवान जय किसान